कादी बैठी आई भाई? खोए दी। खुशी? ओ खुशी राम दे मैं जा नहीं सकया, फिर लोकल जेल भाई तू ही ले आया। ओ साला मैं पूछया खुशी किस गल दी आ? ओ अच्छा अच्छा, ओ अपने बिल्लू बंसल जी नहीं हैगे? उन्हां दी धी नाल अपनी जस दा रिश्ता पक्का हो गया। ओ शुक्र है मेरे दाता, मेरे मुंडे दा खेड़ा तां छुट्टिया। अह जिहा घटिया इंसान अखीर नूं मुंडा भी साला इसे घर चों लैके निकलिया। बिल्लू ने तो उस गाह काली की कि हलवाई की दुकान से बड़िया तक काजू की बर्फी लैन सी ते खीर नूं निकलिया खरीद के पेठा। ओ छोड़ो डैडी, आपां की लैना है? अगला चाहिए पेठा लैके निकले भावें मखाने। खैर अज मैं खुश बहुत हूं यार। डैडी एक रिक्वेस्ट सी, थोनू पता है जस दे अगे पिछे तो कोई है नहीं, जे ब्याह दे विच उहदे डैडी बन के सारे फर्ज तुसीं निभा दो तां जिजू तो तेरे डैडी बन के पछता रहा है, तू अगो किराएदार दा भी डैडी बनाउण नूं फिरदा। ओ मेरा बेली है। फिर बेली नूं अपने तक सीमित रखना, जिजू नूं ओहदी मां दा बेली बनाउण ते क्यों तुल्या होया है? साला इह जिहा गंदा साला, ना चिट्टा ना काला, कसमैला चंड मारांगा। डैडी साले तैनूं तां इस गल दी अग लगी हुई है कि इस उम्र में दूजी वारी प्यो किवें बन गया। हां ओ तू जस नूं कह जे तैनूं मां दी लोड़ है मैं ओहदा भी जुगाड़ कर दूंगा। ओ मर जांगा, मिट जांगा, बर्बाद हो जांगा, पर इस घर च दूसरी दित्ती नहीं आन देंगा मैं। तैनूं करन दे बकवास यार, तू दूजी दा प्रबंध कर। ठीक मेरा मतलब जस नूं कह तू ब्याह दा प्रबंध कर। मैनूं तां समझ नहीं आउंदी वी इहदी दीदी नाल तुसीं ब्याह करा के मिलिया। मजाका करदा, दो वारी मां कहण नाल मामा बनदा? साले दो वारी डड्डा कहण नाल डैडी वी तां बनदा। जिजू बिल्लू जी पुरानियां गल्लां भुल जाओ, बेटी दे ब्याह दीआं लख लख मुबारकां। ढिल्लों साहब तुहानूं वी तुहाडे मुंडे दे ब्याह दीआं बहुत बहुत मुबारकां। एक मिंट, मैं मुंडे दा कच्चा पक्का प्यो हाँ, मैं तां सिर्फ इत्थे प्यो दे फर्ज निभाउणा आ। चलो फिर फर्जां ते ही आ जांदे आ। ढिल्लों साहब इस ब्याह ते मेरा बहुत पैसा लग्गिआ है। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦੋ, ਬਾਕੀ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਜੀ ਤੋਂ ਦਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਆ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਲੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਠੰਡ ਰੱਖੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਠੰਡ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਬਾਪ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦਹੇਜ ਮੰਗਦੇ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਕਟਾਪਾ ਚਾੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਭੜਕਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਜੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਕੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੁੜ ਜਾਣੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੁੜ ਗਈ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿਣੀ ਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾਏ ਗਲ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਤਾਂ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ।